हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ फेशियल का वन डे चैलेंज। जी हाँ, आज मैं उस फेशियल की बात कर रही हूँ जिसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स और उसका जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने उसे खुद पर भी ट्राई करके देखा है। क्योंकि समर सीजन चल रहा है, हम बाहर निकलते हैं, टैनिंग होती है, डस्ट होती है और फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक ऑप्शन समझ में आता है जो कि पार्लर जाना। हम पार्लर जाते हैं, फिर वहाँ जा कर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा फेशियल कराएं। फेशियल कराने में हमारा 1 से 2 हज़ार रुपये तो खर्च हो जाता है, उसके बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि रिजल्ट नहीं आता। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए फेशियल को स्टार्ट करते हैं। फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है क्लिंजिंग का। मैंने यहाँ पे पतंजलि का हनी लिया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का हनी ले सकते हैं। हनी अनइवन स्किन टोन और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, प्लस हमारे फेस को भी ग्लोइंग बनाता है। 2 चम्मच हनी के बाद हम इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा क्लिंजर रेडी है। अब कॉटन बॉल को क्लिंजर में डिप करिए और उसे फेस पर अच्छी तरीके से लगाइए, जिससे फेस पर जमी हुई धूल, डस्ट और टैनिंग दूर हो जाए। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग का। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच पिसा हुआ चावल लिया है, जिसके बारे में स्किन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्लस फॉलिक एसिड होता है जो झुर्रियों को कम करता है और फेस से एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। अब हम लेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी, जो कि एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर होती है, रिंकल्स ब्लैक हेड को भी दूर करती है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दही की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा स्क्रब रेडी है। थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम, जिसे बनाने के लिए हम एक पका हुआ केला लेंगे और उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा डालेंगे और अगर कि आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल है तो उसे भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है फेस मास्क, जिसके लिए मैं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर हीलिंग क्ले की तरह काम करती है और गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट होती हैं। और जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। 2 चम्मच बेसन लेंगे। बेसन टैनिंग को दूर करता है और डेड सेल्स को भी पूरी तरह से निकाल देता है और हमारी स्किन पर ग्लो लाता है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब हम ले रहे हैं कच्चा दूध, रॉ मिल्क। ध्यान रखें कि मिल्क आप इतना ही डालें कि कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा रनिंग हो और ना ही ज़्यादा थिक हो।
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I've... तो गाइस कैसा लगा मेरा ये फेशियल मुझे फीडबैक में कमेंट करके जरूर बताइएगा. साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.